सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ। बैक टू बैक वीडियो आ रहा है भाई साहब, बैक टू बैक वीडियो आ रहा है, मतलब रेगुलर वीडियो आ रहा है, डेली वीडियो आ रहा है। ये वीडियो शायद 8वां या 9वां नंबर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं डेली वीडियो लाऊंगा, डेली वीडियो लाऊंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आप लोगों से निवेदन है, 10K करवाइए टपाटप। 2200-2400 सब्सक्राइबर बचा हुआ है, करवा दीजिए ना, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, तो आज का वीडियो ये है कि हम आपको एक बार फिर से अपडेट देने आ गए हैं लेबर कोट वाला रोड के, क्योंकि एक भाई साहब हैं समीर खान जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात? अगर सुन रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपके नाम पे आए वीडियो बनाने। वो बोलते हैं कि मिठापुर लेबर कोट फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका अपडेट आप डेली दीजिए। भाई साहब डेली एक ही वीडियो क्या दे, एक सप्ताह वीक मार के, एक सप्ताह गैप मार के दे ही देते हैं हम भी। तो फिलहाल पहुंचने वाले हैं अभी हम आपको मिठापुर गुमटी के ऊपर से ROB से जो लेबर कोट रोड आएगा वहां तक एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और ये कोई आम फ्लाईओवर नहीं है, इसको बनने में लगभग 18 साल लग गया है भाई साहब। और 18 साल कोई छोटा काम, छोटा समय नहीं होता है, 18 साल समझ रहे हैं। और ये वो लेबर कोट वाला रोड है, यहीं से फ्लाईओवर का जो है वो टेक ऑफ होगा। बाद में इसके आगे भी बनाया जाए सिपारा की तरह, क्योंकि अगर एकाएक सारे घर को तोड़ दिया जाएगा तो फिर बवाल हो जाएगा। इस कारण हल्का हल्का करके जो सरकार भी है वो यही चाहती है कि हल्का हल्का करके बढ़ाया जाए और इसको बनाया जाए। तो यहाँ से देखिए, यही पीछे लेबर कोट रोड था और ये है यहाँ से फ्लाईओवर का स्टार्टिंग पॉइंट है गाइस। यहाँ से फ्लाईओवर जो है वो स्टार्ट होगा। फिलहाल पिचिंग का काम यहाँ पे बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि सारा जो गिट्टी बालू है वो उसका काम हो गया है। जो बड़ा बड़ा गिट्टी आप देख रहे हैं सारा बिछ गया है, रोड रोलर भी चलाया जा रहा है इस पर। तो पिचिंग वर्क बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और इसको स्टार्टिंग मार्च में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग मार्च मतलब कि 1 से 7 मार्च के बीच में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। लेकिन ROB का इनॉग्रेशन हुआ था मई या जून के महीने में, तो कुछ इसी तरह से। और ये ROB से कनेक्ट है, समझ रहे हैं। और अगर आप लोग दक्षिण में रहते हैं, मतलब सिपारा और एतवारपुर जैसे इलाकों में अगर आप लोग रहते हैं, तो ये पुल आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, अगर इस पुल पे आप चढ़िएगा तो सीधा आप चल जाइएगा GPO गोलम्बर। अगर इस पुल पे आप चढ़िएगा तो सीधा आप गुमटी क्रॉस किए बिना ही चल जाइएगा आपको GPO, कंकड़बाग, गांधी मैदान तक, बंगला, बेली रोड, तारा मंडल, हर जगह चल जाइएगा। ये एक ऐसा पुल है जो आपको ऑलमोस्ट पूरे पटना को जोड़ देगा। पश्चिम जाना हो, उत्तर जाना हो या फिर पूरब जाना हो, ये पुल आपको जोड़ने वाला है। ये पुल गुमटी क्रॉस किए बिना, मतलब गुमटी जब लग जाता है तो आप लोग को पता ही होगा कि जैसे ये ट्रेन अभी जा रहा है, तो अगर गुमटी लगा हुआ होगा तो गुमटी पे जानते ही हैं कि फंस जाता है लोग 1 से 1.5 घंटा। और बगल में पटना स्टेशन है तो और ही लोग फंस जाता है, जा नहीं पाता है। इसलिए ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोग गुमटी में ना फंसे। गुमटी गिर जाने के बाद लोग फंस जाते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है, इसलिए ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। एक सहूलियत फ्लाईओवर जो पश्चिम से लोग आएंगे, सॉरी जो दक्षिण से लोग आएंगे, उसके लिए ये काफ़ी सहूलियत होने वाला है, काफ़ी लाभदायक होने वाला है। देखिए यहाँ पे पिचिंग वर्क का काम किया जा रहा है, गिट्टी विट्टी पूरा बिछा दिया गया, हालांकि रस्सी लगाया हुआ है, जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जाके क्या ही करेंगे। बाकी देखिए आप, रेलिंग का काम कंप्लीट, नाली वाली का काम जो बचा हुआ है, और ये सब जो पेंटिंग है उसका काम बचा हुआ है, और ये आप जो पाइप देख रहे हैं रॉड, उसका काम बचा हुआ है पेंट वेंट करने का, और स्ट्रीट लाइट का काम बचा हुआ है। तो फिनिशिंग टच का काम जो है वो इसका बचा हुआ है, बाकी जो भी वर्क है इसका भाई साहब हो चुका है। और इस फ्लाईओवर में 3 पिलर हैं, 3 पिलर को बनाने में इतना टाइम लगा है, और 3 पिलर के बाद गर्डर लॉन्चिंग का भी काम इसमें हो रहा है। गर्डर लॉन्चिंग भी काम जो है वो इसका हो गया है। अभी आपको कुछ व्यू दिखाते हैं ताकि आपको पता चले, कुछ व्यू देखते हैं कि कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। ये देखिए 3 पिलर, ये गटर लॉन्चिंग है, ये जो आप लंबा लंबा देख रहे हैं ये गटर है, इसको गटर लॉन्चिंग का काम यहाँ पे हो चुका है। देखिए गटर लॉन्चिंग हो गया, और बीच में जो वो है वो भी कर दिया गया, मतलब स्लैब रख दिया गया है, और पिचिंग वर्क जो है वो होना है। देखिए इधर गटर लॉन्चिंग, इधर पिचिंग वर्क भी हो गया है, एक पिलर और दूसरे पिलर के बीच पिचिंग वर्क का भी काम कम्प्लीट है, और यहाँ तक तो पिलर बना हुआ था 17-18 साल पहले से ही। तो गटर लॉन्चिंग का काम हो गया नया वाला। और एक और बात, यहाँ फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिनको इस ब्रिज पे पैदल चढ़ना है, जो गाड़ी से नहीं है,
उनके लिए फुट ओवर ब्रिज का भी इंतजाम रहेगा। सामने देखिए आपको फुट ओवर ब्रिज जो है वो दिख रहा होगा, बना हुआ है सामने फुट ओवर ब्रिज है कि देखिए वो सामने, तो एक फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे बन रहा है और एक गुमटी के उस तरफ भी बन रहा है फुट ओवर ब्रिज। यही कह रहा था कि जब गुमटी लग जाता है ना तो भाई साहब जाम लग जाता है। चलिए उधर से चलते हैं। देखिए यह अनिता सिन्हा हॉस्पिटल है और इसको तोड़ा गया था कुछ दिन पहले। जब गाड़ी चल जाता हो, अगर खुला हुआ होगा तो इधर से निकलेंगे, वरना नहीं जा पाएंगे, तो खुला हुआ है ही। इधर देखिए कि गटर लॉन्चिंग का काम इधर हो गया है, जेसीबी वगैरह काम अपना कर रही है मिठापुर ये लेबर कोट वाला रोड में। ये एक्चुअली गटर है, ये गटर लॉन्च हो चुका है, वहाँ तक पिलर बना हुआ था, उसके बाद ये तीन पिलर हुआ है और गटर लॉन्च हो गया। उसके बाद जो है वो पिचिंग का काम होगा और उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा, इनोग्रेट किया जाएगा। तो काफ़ी दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब चालू होगा, कब चालू होगा, कब चालू होगा। तो भाई साहब ज़्यादा दिन नहीं, आज आपका 7 फरवरी हो गया है। ये एक्चुअली 7 फरवरी का वीडियो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली ये 7 फरवरी आज हो चुका है और आने वाले मार्च यानी कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बाद 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद दक्षिण इलाकों के लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि तो दक्षिण से आएंगे जो लोग, दक्षिण दिशा से आएंगे सिपाड़ा एतवारपुर मसौढ़ी गया जिधर से भी दक्षिण इलाका से, लोकल के लिए बहुत फ़ायदा है, गुमटी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। देखिए अभी गुमटी बंद था, हमको इधर से आना पड़ा, तो यही होता है कि अगर गुमटी क्रॉस नहीं करना रहेगा तो आप फ्लाई ओवर पर चल जाइएगा, आपको गुमटी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा और आप सीधा निकलिएगा कंकड़बाग की तरफ, गांधी मैदान की तरफ और बेली रोड की तरफ, समझ रहे हैं। और इसके पहले इसका आरओबी का निर्माण भी किया गया था, आरओबी जब बना था तो उसका भी उद्घाटन किया गया था मई जून के महीने में, तो उसको उतारा गया था दयानंद स्कूल के पास गौरिया मठ के पास। अभी उसी से हम चढ़ के जाएंगे वही नया वाला फ्लाई ओवर पर जो कुछ दिन पहले जो है वो लॉन्च हुआ था। सामने देखिए वो फ्लाई ओवर दिख रहा है, ये फ्लाई ओवर नया बना है और ये फ्लाई ओवर बहुत दिन से बना हुआ था, मतलब कि ये फ्लाई ओवर को भी 15-16 साल से बना हुआ था और सिर्फ आरओबी का काम बचा हुआ था, मतलब रेलवे ओवर ब्रिज का काम बचा हुआ था, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिज रहता है ना उसका काम बस बचा हुआ था, तो उसको भी कंप्लीट कर लिया गया और उसके बाद ये वाला फ्लाई ओवर को चालू कर दिया गया। भाई साहब इस फ्लाई ओवर पर आप चढ़िएगा तो सीधा गुमटी को क्रॉस करके आप चले जाइएगा सीधा कंकड़बाग गांधी मैदान, हर जगह चले जाइएगा। अभी रॉन्ग में जा रहे हैं, अभी राइट में हो जाएंगे, देखिए। तो यही नया वाला फ्लाई ओवर बना था गाइज, आज से गर्मी के दिन में, मतलब कि एक साल लगभग होने वाला है 3-4 महीनों बाद। और देखिए स्ट्रीट लाइट अभी भी मतलब कि जला हुआ है, जो ट्राइकलर लाइट जलाया गया है पूरे पट्टा के फ्लाई ओवर पे वो अभी तक जल रहा है, दिन में भी, दिन के 12 बजने वाले फिर भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, बाय बाय।